मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां वे प्रतिभा सम्मान समारोह और सोनकर समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सोनकर समाज के पुराने भवन को रेनोवेट करने के लिए 23 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने पैरावाट दान करने की भी अपील की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार नरावा गरवा खुरवा बाड़ी योजना चला रही है, जिसमें बाड़ी में सब्जी उगाने का काम भी तेजी से किया जाएगा। बाड़ी को बचाने में सोनकर समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में समाज के द्वारा कार्य किया जा रहा है। इन्हें शुभकामनाएं देता हूं। युवा भी और युवा युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सोनकर समाज बहुत मेहनत का समाज और सब्जी बाड़ी में इनका लगातार योगदान रहा। हरी सब्जियां यदि नगर वासियों को मिलता है तो उसमें सोनकर समाज का बड़ा योगदान और उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में इनका बड़ा योगदान है। 14 समितियां ये लोग चला रहे हैं और शिक्षा समिति चला रही, जिसके माध्यम से बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में ये लोग काम करें। बहुत बधाई, शुभकामना।